गंगापुर नाम के एक गांव में रामलाल नामक एक दूध बेचने वाला रहता था। उसकी 7 साल की बेटी थी जिसका नाम नीतू था। नीतू घर घर जाकर दूध बांटती थी, फिर नजदीकी स्कूल में पढ़ाई के लिए चली जाती थी। वो बचपन से ही बहुत फुर्तीली थी और अपने पिता की बहुत मदद करती थी। फिर एक दिन, नीतू नीतू दूध निकल गया है, अब आओ जल्दी सबको दूध बांट दो, बहुत देर हो गई है बेटा। पिताजी मैं तैयार हूँ, सबको दूध देने के बाद स्कूल चली जाऊंगी। आते समय दूध का डब्बा लाना मत भूलना, कल तुम भूल गई थी तो बलवंत काका देने आए थे। जब नीतू दूध देने गई, इंदु काकी मैं दूध लाई हूँ, जल्दी दूध का डब्बा दीजिए, मुझे स्कूल जाना है। क्या नीतू, इतनी देर हो गई, अगले दरवाजे पर नए मास्टर आए हैं, मैंने सोचा सुबह उन्हें चाय बना कर दे दूं, पर दूध ही नहीं था। हमारे गांव में नए मास्टर आए हैं? हाँ नीतू, कल से मास्टर के लिए भी 1/2 लीटर दूध लाना है, जा उन्हीं से पूछ ले। नीतू मास्टर के पास गई। मास्टर जी आप घर पर हैं? तुम कौन हो, मेरे घर स्कूल बैग के साथ क्यों आई हो? मास्टर जी स्कूल आते हैं ना, तुम भी स्कूल जाओ। वो बात नहीं है, मैं यहाँ इंदु काकी के कहने पर आई हूँ, उन्होंने कहा था मास्टर जी से पूछने के लिए कि कल से उन्हें 1/2 लीटर दूध चाहिए कि नहीं। बस बच्चे, तुम स्कूल के समय दूध देने आई हो, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं, आपने भी मुझे अच्छा कह दिया। नीतू दूध देकर वहाँ से चली गई। सभी बच्चे क्लास में बैठे थे तभी मास्टर जी ने आकर कहा, देखो बच्चों, आज से मैं स्कूल का नया मास्टर हूँ, मेरा नाम यश है, तो अब से मैं तुम लोगों को रोज पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना। कुछ दिन बाद नीतू ने इंदु काकी से कहा, इंदु काकी मैं दूध देने आई हूँ, जल्दी आइए। नीतू तुम आज जल्दी कैसे आ गई? एक बात पूछूं इंदु काकी, क्या मास्टर जी घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ वो घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं अपनी बेटी को भी भेजती हूँ। फीस कितने लेते हैं? मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, किसी से भी फीस नहीं लेते, तुम भी उनके पास जा सकती हो, वो तुम्हें भी पढ़ा देंगे। काकी स्कूल जाने के अलावा मुझे दिन में 2 बार दूध बांटने भी जाना होता है, तो मैं दिन में ट्यूशन नहीं जा सकती। वहाँ से नीतू मास्टर जी के घर दूध देने चली जाती है। 6 पंजे कितना होता है राजू, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? 30 मास्टर जी। क्या बात है नीतू, तुम तो दूसरी कक्षा में पढ़ती हो, तुम्हें पहाड़ा कैसे याद है? ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसके जवाब दो। 7 सत्य कितना होता है? 49 मास्टर जी। और 9 तिरीक? 27 मास्टर जी। 6 अठे कितना होगा? 48 मास्टर जी। 12 तिया बताओ? 36 मास्टर जी। नहीं तुम गलत हो, 3 × 12 36 होता है मास्टर जी, मैंने सही बताया है। बहुत बढ़िया नीतू, तुमने सही बताया, तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे पसंद आया। उसके बाद नीतू वहाँ से चली गई। क्या मास्टर जी आप एक बच्चे की ज्यादा तारीफ कर रहे हो? हाँ तो करूँगा ही ना, मुझे उसका आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लगा, मैंने स्कूल में भी उसे देखा है, इस बच्चे का IQ लेवल बढ़िया है, अगर इसने अच्छे से पढ़ाई की तो ये बहुत आगे जाएगी, मेरी ये बात याद रखना। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन, जरा ये देखो आसमान में तो काले बादल छाए हुए हैं, लगता है जोरों से बारिश होने वाली है। मौसम समाचार, बंगाल की खाड़ी के हवा के दबाव से अगले 24 घंटों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, हवामान कभी भी बिगड़ सकता है। अरे ओ भाई तूफान आने वाला है, बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है, जल्दी से अनाज लेकर आ जाओ। शाम को हवा के दबाव से भारी बारिश शुरू हो जाती है। इस तरफ रामलाल अपनी बेटी और घर को लेकर बहुत चिंतित है। अरे बाप रे, बाहर तो तेज बारिश शुरू हो चुकी है, ये झोपड़ी आंधी और बरसात को झेल नहीं पाएगी और हमारी गायें भी बाहर ही छूट गई हैं। हे ईश्वर आप ही रक्षा कीजिए। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आती है, सुनो सुनो सुनो, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। चलो नीतू हम लोग स्कूल की ओर चलते हैं, ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है बेटा। और रामलाल नीतू को लेकर निकल पड़ता है। पापा गौशाला भी गिरने वाली है, गायों को भी ले चलें? हाँ बेटा मैं भी यही सोच रहा था, मैं अभी उनकी रस्सियाँ खोल देता हूँ। गायों को खोलकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है।
लगातार दो दिनों तक भारी बारिश होती रहती है। तीसरे दिन से बारिश कुछ कम होने लगती है। पूरा गांव बाढ़ में बह गया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। मास्टर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, एक बात बताओ, वो दूध लाने वाली नीतू नहीं दिखाई दे रही, कुछ हुआ है क्या? हाँ, उनका पूरा घर टूट गया। यहाँ तक कि दो गाय उनकी आजीविका थी, वो भी पानी में बह गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जाने वो क्या कर रहे होंगे। इस शहर से मेरा ट्रांसफर होने वाला है, मेरी नौकरी का ये आखिरी महीना है। इंदु काकी से कहना कि नीतू और उसके पिता को मेरे पास भेजे। इंदु काकी से बात करने के बाद रामलाल नीतू के साथ मास्टर जी से मिलने आया। मास्टर जी, इंदु काकी ने आपका संदेशा दिया, बताइए क्या काम है? आओ रामलाल, मैंने सब सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। नीतू एक बहुत अच्छी लड़की है, वो अच्छे से पढ़ाई करती है, स्कूल की सबसे होशियार लड़की है। इसका भविष्य उज्जवल है। स्कूल बंद बंद करवाना और अच्छे से पढ़ाना। मैं इसकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होने दूंगा, मेरा आपसे वादा है ये। बहुत अच्छा कहा तुमने। ये लो कुछ पैसे ले लो, गाय खरीद लेना और दूध का व्यवसाय फिर से शुरू कर देना। आपका धन्यवाद, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर जी का ट्रांसफर होने के कारण उन्होंने शहर छोड़ दिया। कुछ साल बीत जाने के बाद, भाई साहब अभी डॉक्टर मिल सकते हैं? एक बच्चा सुबह से पेट दर्द से परेशान है, इसे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा है इसे। एक मिनट रुको, मैंने बात कर ली है, तुम लोग जाओ। अरे ये क्या है, मुझे आए हुए काफी समय हो गया है, मुझसे पहले इनको कैसे जाने दिया? बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर के कहने पर ही इनको भेजा है, चाहो तो पूछ लो। ठीक है, अभी तो मुझे देर हो रही है, क्या मैं कल आ सकता हूँ? थोड़ी देर रुककर डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि डॉक्टर कल भी नहीं आने वाले। हफ्ते में दो दिन हमारे आसपास के गांव में डॉक्टर मैडम मुफ्त चिकित्सा कैंप चलाती हैं। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देना उनके जीवन का लक्ष्य है। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैंने आपसे 15 दिन पहले ही कहा था कि छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। अब देखो, मैं 2 दिन की दवाई लिख रही हूँ, अगर हो सके तो अपने बच्चे को ले आना। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। इसका खर्चा कितना होगा डॉक्टर? मुझे डर है कि क्या हम ऑपरेशन का खर्च उठा पाएंगे, और आपने जैसे कहा था उतना पैसा हम जमा कर पाएंगे? मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पैसों को लेकर आप मत डरिए, आप आ जाइए, सब मैं संभाल लूंगी, ऑपरेशन मैं फ्री में करूंगी, आप आ जाना, कल मैं यही रहूंगी। आपकी फी कितनी हुई डॉक्टर? यहाँ कोई फी नहीं है, तुम आराम से जाओ, मैं फिर से आऊंगी। डॉक्टर मैडम, एक और मरीज है, काफी देर से रुका है। उस मरीज राव ने अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताया। ठीक है, इस दवाई को 3 दिनों तक खाओ, तुम्हारी बीमारी कम हो जाएगी। सुनो, तुम्हारी फी के 100 रुपए हुए, और ये दवाई तुम्हें बाहर दुकान से मिल जाएगी। मैडम ने तो कहा कि वो बिना पैसों के ही ऑपरेशन करती हैं, और तुम मुझसे फी के 100 रुपए मांग रहे हो, तुम्हारा कमीशन है क्या? वो लोग बहुत गरीब हैं, तो उनसे पैसे नहीं लेते। आप तो अच्छे घर से लग रहे हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते? वो डॉक्टर जो गरीबों का इलाज बिना फी लिए करती है, वो एक मशहूर सर्जन भी है। उसने बड़े बड़े ऑपरेशन करके बहुतों की जान बचाई है, और सभी लोगों से आदर भी पाया है। वो हमारी नीतू है, वो अब डॉक्टर नीतू है। अम्मा कैसी हो? पिछली बार मैंने आपको जो दवाई दी थी उससे बीमारी ठीक नहीं हुई, वापस क्यों आई हो? क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए है। वो खड़े होकर चल नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे कुछ पेन किलर दे दीजिए। ठीक है, ये दवाई ले जाइए और दिन में 2 बार दीजिए, वो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी दवाई देने के बाद ये फिर से नहीं होगा। आप हम जैसे लोगों का इलाज हफ्ते में 2 दिन बिना पैसे लिए करती हो, हम आपके कर्जदार हो गए हैं। नीतू अपना मेडिकल कैंप खत्म करके घर लौट आती है। हेलो, हाँ बताइए, मैं डॉक्टर नीतू बोल रही हूँ। हेलो डॉक्टर नीतू, मैं डॉक्टर अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हें हैदराबाद के लिए तुरंत निकलना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप तो किसी सर्जरी के लिए हैदराबाद गए थे, फिर क्या हुआ? हाँ, सर्जरी काफी मुश्किल है, इसे मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये सर्जरी प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीनिवास जी की है, इसलिए इस सर्जरी में तुम भी रहोगी तो अच्छा होगा। मैंने तुम्हारे लिए कार भेज दी है, उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी।
जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। सर यहाँ शाम हो चुकी है, मुझे निकलते निकलते सुबह हो जाएगी, क्या ये ठीक रहेगा? ये क्या बात कर रही हो, ऑपरेशन तो ठीक रात 2 बजे है, तुम्हें तुरंत निकलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, आप चिंता मत करिए, जैसे ही कार आएगी मैं निकल जाऊंगी। कुछ समय बाद नीतू हैदराबाद के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद घने बादल हैं, लगता है तेज बारिश होने वाली है। जी मैडम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अभी तो हमें काफी दूर जाना है, बारिश के शुरू होने से पहले ही हमें निकलना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पे हल्की बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे इसने तेज हवाओं के साथ विकराल रूप धारण कर लिया। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और रास्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है मैडम, हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, किसी भी हालत में हमें कल सुबह तक पहुँचना है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बाकी सब भगवान के हाथ में। कुछ आगे बढ़ने पर एक बड़ा पेड़ रोड के बीचों बीच गिर गया। अरे ये क्या, रास्ते पर तो पेड़ गिरा हुआ है, हम आगे कैसे जाएंगे? पेड़ को हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं हम टाइम पर कैसे पहुंचेंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या यही एकमात्र रास्ता है? कोई तो शॉर्टकट होगा। हाँ है ना, अगर हम घूम कर जाए तो एक रास्ता है, लेकिन वो सड़क कच्ची है, उस पे चलाना काफी मुश्किल होगा। अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम वहाँ से जा सकते हैं। हाँ हमें उस रास्ते से चलना चाहिए, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जैसे भी हो तुम मुझे पहुँचा दो, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए। इसलिए दोनों ने कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था। जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से आगे निकले, लेकिन आगे जाते ही उनकी कार जाकर कीचड़ में फंस गई। लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पाए। मैडम हमारे आगे जाने का रास्ता नहीं, हमें आजाद ही रुकना पड़ेगा, आगे के लिए हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बेलापुर गाँव है। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर नियति को यही मंजूर है तो यही सही, सब भगवान की मर्जी है। तभी उन्हें हाथ में लालटेन लिए कोई आदमी दूर से अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। लगता है हमें कोई बुला रहा है, मैं पता करता हूँ। हाँ पूछो तो। आप लोग कौन हो? आप लोग काफी मुश्किल में लग रहे हो, आपकी कार काफी आवाज कर रही थी, मेरे मालिक ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है, आपके साथ तो एक लड़की भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो रात आप हमारे घर में रह सकते हैं, हमारे मालिक भले इंसान है। मैडम इस गाड़ी में रुकने से अच्छा हम इनके घर में रुक जाते हैं, बारिश तो रुकने नहीं वाली, आप क्या कहती हैं? हाँ चलते हैं, गाड़ी में रुककर भी क्या करेंगे, दोनों अंदर चले जाते हैं। बैग को ध्यान से लाना, इसमें दवाइयाँ और ऑपरेशन का सामान भी है। मैडम क्या खाने के लिए कुछ ले आऊं? खाना तैयार है, आप कहें तो मैं ले आऊं। हमने चलने से पहले ही खाना खाया था। कोई अंदर खांस रहा है, किसको इतनी खांसी आ रही है? मेरे मालिक है, उन्हें ये बीमारी काफी दिनों से है, साल भर पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तब से मैं ही उनका ख्याल रखता हूँ। ओह मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? काफी डॉक्टरों को दिखाया मैडम, वो कहते हैं कि इनके इलाज के पीछे काफी पैसा खर्च होगा, अगर आप देखना चाहती हैं तो चलिए, मालिक भले आदमी हैं, मैं उन्हें इस तरह तड़पता नहीं देख सकता। नीतू तुरंत उन्हें देखने चली जाती है और बाहर आकर वो अपनी ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर मेरा बैग कहाँ है जो तुम गाड़ी से निकाल कर लाए थे, उसे यहाँ लेते आओ। रमन जल्दी से पानी गर्म करके लेते आओ, अगले 1 घंटे तक मैं जो भी मांगू वो लेते आना। क्यों मैडम आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ, मालिक कैसे हैं? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अभी जो कहा है वो जल्दी से लाओ। जैसे ही गोविंद गर्म पानी लेकर आया, नीतू ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो बाहर आई। 1 घंटा बीत गया, ऐसा लगता है भगवान ने समय से मुझे यहाँ भेजा है। रमन अब तुम्हारे मालिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी ठीक होकर हम लोगों की तरह चल फिर पाएंगे। मैं कुछ जरूरी काम से हैदराबाद जा रही हूँ, कल लौटते समय तुम्हारे मालिक से मिलने आऊंगी, मैंने दवाइयाँ वहीं रख दी हैं, उन्हें दिन में 3 बार दे देना, ठीक है?
मैं चलती हूँ। नीतू हैदराबाद पहुँचकर डॉक्टर से मिलने जाती है। आओ नीतू, मुझे सब पता चल गया। तुमने यहाँ आने में काफी मेहनत की, लेकिन यहाँ हालत खराब होने की वजह से मुझे ऑपरेशन अकेले ही करना पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि तुम बीच में पहुंचकर मुझे ज्वाइन कर लोगी। वैसे ऑपरेशन अच्छा रहा, आने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं चलती हूँ, मुझे एक खास व्यक्ति से मिलना है। वहाँ से नीतू फिर से बेलापुर पहुँचती है। रमन उसके सामने आता है। आइए डॉक्टर मैडम, मालिक अब ठीक हो गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी तो इसीलिए आई हूँ। चलो तुम्हारे मालिक से मिलते हैं, चलो जल्दी चलो। वे दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। मालिक, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था। हेलो मास्टर जी, आप कैसे हैं? मैं मास्टर हूँ, ये तुम्हें कैसे पता बेटा? क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? हाँ मास्टर जी, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपने जो एहसान हम पर किए हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे कोई बात नहीं, मगर तुम हो कौन? मास्टर जी, मैं नीतू हूँ, रामलाल की बेटी जो गंगापुर में दूध का व्यापार करते थे। अरे क्या कहा, तुम नीतू हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई, डॉक्टर बन गई हो तुम। मुझे इस बात से काफी खुशी हो रही है। मास्टर जी, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। मैं जो भी हूँ आपकी मदद से ही बनी हूँ। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है मास्टर जी। मैंने क्या किया, इस मुकाम को तुम ही ने हासिल किया है। मैं इस मुकाम तक इसलिए पहुँच पाई क्योंकि आपने पिताजी को गाय खरीदने के लिए पैसे और दूध का व्यापार वापस शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। ये बीमारी ठीक होगी लगता नहीं था। मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगी, मगर तुमने तो भगवान बनकर मेरी जिंदगी बचा ली। मास्टर जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने जो मदद की वही आपको बदले में मिली, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ठीक है मास्टर जी, पहले आप चलिए, आगे से आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। ऐसा क्यों? तुमने पहले ही इतनी मदद की है, मैं वहाँ आकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। ऐसा नहीं है मास्टर जी। नीतू मास्टर जी को अपने घर ले जाने के लिए राजी कर लेती है, जहाँ वो उनका आखिरी समय तक अपने पिताजी की तरह ख्याल रखेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नई कहानियों के लिए इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।